तो इलाहाबाद हाईकोर्ट को लेकर आज भी आपको बताते चले कि आज भी कामकाज ठप रहने वाला है। ये तीसरा दिन है जब वकीलों की हड़ताल लगातार जारी है। कई मांगों को लेकर वकीलों की हड़ताल चल रही है, जिसके चलते इलाहाबाद हाईकोर्ट का कामकाज लगातार मुतासिर हो रहा है। तीन दिन से बुधवार और गुरुवार को भी काम ठप रहा था और आज भी काम ठप रहेगा। तो बार एसोसिएशन ने हड़ताल का फैसला लिया था और सभी वकीलों से आह्वान किया गया था कि वो इस हड़ताल में साथ दें, और इसी के चलते आपको बताते चलें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकीलों की तरफ से कोई कामकाज नहीं किया जा रहा है। कामकाज ठप पड़ा है इलाहाबाद हाई कोर्ट का और लगातार तीन दिन से यही हालात बने हुए हैं, क्योंकि अपनी मांगों को लेकर वकील हड़ताल पर हैं, कामकाज बंद किया हुआ है, जिससे जो लोग हैं जिनके रोज़मर्रा के कामकाज, जिनके कचहरी से जुड़े हुए काम हैं, वो यहाँ पर मुतासिर हो रहे हैं। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी आज कामकाज ठप रहने वाला है और ये तीसरा दिन है जब वकीलों की हड़ताल लगातार जारी है और बार एसोसिएशन ने हड़ताल का फैसला लिया था अपनी मांगों को लेकर। तो मुतालबात यहाँ पर हैं जिनको पूरा करने की मांग की जा रही है और इसके चलते इलाहाबाद हाईकोर्ट का कामकाज मुतासिर हो रहा है। तो तीसरे दिन भी वकीलों की हड़ताल जारी है। कई मांगों को लेकर वकीलों ने कामकाज से बायकॉट किया हुआ है और इसके चलते इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिछले तीन दिन से कोई कामकाज नहीं हो रहा है और इसके चलते जो लोग हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।